हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक कैमरा बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कैनन की तरफ से आने वाले 200D Mark II मिरर की अनबॉक्सिंग। जी हाँ गाइस, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है कैनन की तरफ से आने वाले EOS 200D से, और हम आज आपको दिखाने वाले हैं कैनन 200D Mark II। यहां पर दोस्तों 200D Mark II को लेने में क्या क्या आपके बेनिफिट हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं 200D Mark II में 200D से, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं यहां पर अपने कैमरे की अनबॉक्सिंग कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि 200D Mark II किस तरह का कैमरा आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको कैनन का कुछ इस तरीके से बॉक्स देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहां पर आपको कैनन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आपको सबसे अच्छी चीज यह है कि कैनन के जो भी कैमरे लेने होते हैं तो उसके अंदर आपको 1+1 यानी कि 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है कैनन के सर्विस सेंटर से, जो कि काफी अच्छी बात है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको EOS 200D Mark II की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये है सिंगल लेंस, यानी कि ये मैंने लिया है 18-55 STM किट के साथ। आपको इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, आप 55-250 लेंस के साथ ले सकते हैं और यहाँ पर 18-55 mm लेंस के साथ इसे बाय कर सकते हैं। इधर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैनन के कुछ जो है फीचर्स वगैरह इस कैमरे के देखने को मिलेंगे, उसके साथ में इधर आपको इसका प्राइस वगैरह और कलर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में इसका बारकोड भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते हैं तो मैंने पहले ही बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इस कैमरे को एक बार चेक करके देखा था जब मैंने शॉप पर लिया था। तो कैमरे को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बैटरी मिलने वाली है इसके अंदर, जो कि हर कैमरे के अंदर मिलती है। एक तो यूवी फिल्टर मैंने लिया है, ये है प्रोटॉन का यूवी फिल्टर। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने क्यों बाय किया है। उसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर मिलती है आपको एक 16 GB की मेमोरी कार्ड, जो कि कैनन हर कैमरे के साथ देता है। उसी के साथ में यहाँ पर कुछ पेपर वगैरह मिल जाते हैं, इसके गारंटी कार्ड वगैरह हैं। और यहाँ पर भैया एक मोटी ताजी मैनुअल आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे मैनुअल कह सकते हैं कि गाइड कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आपको कैमरा यूज़ करना नहीं आता तो ये आपकी बहुत ज़्यादा काम देती है। इसे आप काम का भी मानिए और नहीं भी। उसके साथ में ये बिल है, तो बिल के बारे में नहीं बताऊंगा अभी। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट इस कैमरे में मिल गया, वो कैसे मिला वो सारी बातें होंगी। उसके बाद इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर इस कैमरे की जो मेन एसेसरीज है वो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है स्ट्रैप, जो कि इस कैमरे का देखने को मिल जाता है, तो इसे भी बात करेंगे इसके बारे में बाद में। और ये है भैया इसकी मेन केबल, जो आपके एडाप्टर में कनेक्ट होते हैं जिससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरफ आपको जो है एडाप्टर देखने को मिल जाएगा, तो देख सकते हैं कुछ ये वाला एडाप्टर आपको देखने को मिलता है कैनन की तरफ से आने वाला। वही जो रेगुलर चार्जर सबके साथ मिलते हैं वही आपको इसके साथ भी मिलने वाला है। उसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर इस वाली साइड आपको मिलने वाला है एक लेंस, ये आपका होने वाला भैया बहुत अच्छी खासी पैकिंग के साथ, यानी कि एक बबल रैप मैंने निकाला एक उधर, यानी कि दो बबल रैप, और उसके बाद तीसरा एक यहाँ पर अलग से पन्नी दी गई है। तो काफ़ी अच्छी खासी पैकिंग के अंदर आपको लेंस मिलने वाला है। तो देख सकते हैं ये 18-55 लेंस होता है जो कि कैमरे के साथ दिया जाता है, इसे किट लेंस बोलते हैं। और इधर आया था अपना मेन यूनिट जो होती है कैमरे की बॉडी। सो गाइस, कैमरे की बॉडी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर एक बेहतरीन और एक कॉम्पैक्ट साइज में आपको ये कैमरा देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड पे। तो देख सकते हैं ये है भैया अपना कैनन की तरफ से आने वाला EOS 200D Mark II। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें ऑलरेडी यहाँ पर इसके स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर यानी कि टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा चुका हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी तो भैया सबसे पहले बनती है कैमरे की। उसी के साथ में यहाँ पर जो है आपको इस कैमरे के ऊपर की तरफ वही सेम बटन मिल जाता है प्रेस करके वीडियो फोटो वगैरह लेने के लिए। इधर आपको ISO वगैरह सेट करने के लिए बटन मिलता है, ISO ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मोड दिए गए हैं, आपको P है, ऑटो है, TV है, ये सारे मोड्स इसके अंदर दिए जाते हैं। ऑन ऑफ का स्विच आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको लॉक मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना स्ट्रैप लगा सकते हैं कैमरे का जो दिया गया है। उसी के साथ में बात करें यहाँ पर, तो आपको जो है पहले जो 200D के अंदर ये फिनिशिंग में दिया हुआ था, और यहाँ पर आपको कुछ टेक्सचर लुक में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में गाइस यहाँ पर बात करें तो कैमरा ऑलमोस्ट 200D की तरह सेम है। और यहाँ पर सामने की तरफ आते तो आपको मेन लेंस लगाने की यूनिट मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अपना लेंस आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप HDMI और यहाँ पर USB के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको माइक के लिए और ईयरफोन के लिए कनेक्टर दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से इस कैमरे को स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं कि किस तरीके से वीडियो शूट करता है। तो सबसे पहले हम इस कैमरे के अंदर जो है
ये लेंस लगाने वाले हैं 18-55 mm लेंस जो कि कैमरे के साथ हमें मिलता है। तो कैमरे का जब भी आप लेंस लगाते हैं तो आपको देखना होता है ये वाइट डॉट और यहाँ पर एक वाइट डॉट है, इस वाइट डॉट को आपको मिलाना होता है और इस तरीके से आपको कर देना होता है, आपका कैमरा जब कट बोल जाएगा तो समझ लीजिए आपका कैमरा लॉक हो चुका है और आपका कैमरा रेडी टू यूज़ हो चुका है, अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसकी बैटरी को यहाँ पर जल्दी से लगा लेता हूँ इसके अंदर, उसी के साथ में मेमोरी कार्ड को भी लगा लेते हैं। सो गाइस अब अपना कैमरा जो है रेडी टू यूज़ में आ गया है, तो यहाँ पर से इस कैमरे को हम ऑन कर लेते हैं। तो ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर से इसका जो कवर है हटा देते हैं, तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। सो गाइस ये कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से वीडियो और फोटो लेने में अच्छा रहता है, अगर आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ब्लॉग करना चाहते हैं, तो ये कैमरा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और बात करें इसके प्राइस की तो मैं आपको बता दूँ ये मुझे डिस्काउंट में मिला है। अब डिस्काउंट में कैसे मिला है तो मैं बता दूँ, मैंने ये ऑनलाइन बाय नहीं किया, ऑनलाइन तकरीबन ये इस टाइम पे चल रहा है सेल में 47-48 के आसपास, और अभी जब सेल ख़त्म हुई है तो ये 53,000 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन जिस शॉप से मैंने लिया है ये मुझे मात्र और मात्र 49,000 का मिला है बिना किसी सेल के, और वो भी ऑन शॉप से मैं लेकर आया हूँ। तो अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा फीचर मिलता है इसके अंदर, जैसे कि आपको फ़ोटो वगैरह लेनी है तो यहाँ पर से आप इसके फ्लैश को मैनुअल ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक फ्लैश का जो है ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कैनन 200D Mark II की तरफ से एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा इशू है जिसे कह सकते हैं कि उसने यहाँ पर फ्लैश को ऑटो में नहीं रखा है। जब भी आपको फोटोज़ वगैरह लेनी है तो आपको यहाँ पर से फ्लैश को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो सैम्पल लेकर दिखा देता हूँ, अभी मैं यहाँ पर जो है इसका फोटो लेता हूँ ऑटो पे लाकर। सो गाइस फ्लैश ओपन नहीं हुई है, अब जब मैं फ्लैश को यहाँ पर से ओपन करूँगा तो अब जो है फ्लैश यहाँ पर काम करेगी। तो देखा आपने, फ्लैश को जब तक आप ओपन नहीं करेंगे फ्लैश काम नहीं करेगी, यानी कि आपको मैनुअल इसे यूज़ करना होगा। सो दोस्तों ये थी कैनन 200D की एक क्विक अनबॉक्सिंग, जिसके अंदर मैंने आपको कैमरे और कैमरे के साथ क्या क्या मिलने वाला वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। जल्दी ही मैं इस कैमरे की आपको एक क्विक जो कंपैरिजन है वो दिखाने वाला हूँ 200D और 200D Mark II के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि Mark II और 200D के अंदर क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे कि इस कैमरे के अंदर आपको ये फीचर सबसे अच्छा मिलता है कि इस कैमरे के साथ आपको गिम्बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैमरा एक काफ़ी अच्छे तरीके से आपको स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। कितना यहाँ पर स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करके देगा वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस कैमरे की क्विक रिव्यू आपको कैसा लगा और क्विक अनबॉक्सिंग कैसी लगी वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या आप जो इसका कंपैरिजन चाहते हैं 200D के साथ तो आप बताइएगा, तो हम एक जल्दी से एक वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चाहिए सब्सक्राइब जरूर से करोगे, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।